सुन एक बात, जब
कभी मुसीबत आए तो मुझे याद जरूर करना। जी गुरु जी, मैं आपका नित्य नहीं स्मरण करूंगा। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आप भी नहीं रह जाएंगे। नहीं नहीं, मैं एक क्षण भी नगर में नहीं रह सकता। यहाँ के राजा चौपट हैं, चौपट। कारीगर, उन्हें कैसी दीवार बनाई
कि बकरी गिरी दीवार दब गई। बकरी सुनाई देता है क्या? कैसा चूना बनाया बताओ? हम तो दीवार चोरत हैं, दीवार गिरावट नहीं हो, इसलिए हमारा तो ठीक कह रहा है। महाराज मैं हूँ तुम कोई दोस्त नहीं है। मैं कितना हिला रहा है, दूर बैठ जाके चुप करो, तुम्हारा न्याय अवश्य होगा। तुम चौपट राजा के दरबार में आए हो। ठीक है महामंत्री से निकालो, चुने वालों को बुला लाओ। खैर सुपारी चूने वाले, इसकी पत्नी कैसे मरी? बकरी कैसे मरी? महाराज एमी अमर कोनो दोष ना छो। हेलो हेलो, दीवार गिरी का छो, देखे वाले मरी का छो। ठीक है सन को, इस्ती को पकड़ लाओ। मैं मंत्री खा पी के नहीं आया है, जोर से बोला कर। सैनिक को मत, इस्ती को पकड़ लाओ। क्यों हिला रहा है मैं? महाराज महाराज लकड़ी कैसे मरी? महाराज हमारे कोनो दोष न छो। सारा दोष कसाई वाले को छो। कसाई वाले को छो? उस कसाई वाले ने इतनी बड़ी मशक बनाई, उसमें इतनी पानी भर गई कि दीवार ढह गई और बकरी दब के मर गई। कोनो कसूर न छो। कोनो कसूर न छो? न छो महाराज। मोर का तो लग रहा है तोरे कसूर छो। ओ महाराज हमारे कोनो कसूर ना छो, कसाई वाला का सब कसूर छो। क्या कह रहा है बे नौकर? ठीक कह रहा है महाराज, ठीक कह रहा है। ठीक है तो निकालो इसे, कसाई को बुलाओ। सैनिको कसाई वाले को पकड़ लो। न्याय हो महाराज, न्याय होगा, अवश्य होगा।
आया। गड़गड़ाते गड़े रहिए, इसकी बकरी कैसे मारी? तो उसमें क्या है दोस्त? महाराज साहब की इतनी बड़ी सवारी आ रही थी महाराज, इसमें हमने छोटे और बड़े फिरता। मुख्यमंत्री सही कह रहा है दोनों? सही कह रहा है। ठीक है तो निकालो इसे, कोतवाल को पकड़ लाओ। कोतवाल को पकड़ ला। क्यों बे कुत्ते? वही वही कोतवाल कैसे इसकी बकरी मारी? मैं क्या बोलता है बोलने तो दो। ये बोला सारा कुछ मेरा है। इसका दो देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारी बकरी का न्याय मिलेगा। मिल गया। ठीक है कोतवाल को फांसी। नहीं महाराज, नहीं महाराज कुछ नहीं, कोतवाल को फांसी। तलवार रखो। कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं महाराज। गुरुजी मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग पता नहीं किसकी बकरी कभी किसकी मारी, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे फांसी होगी गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया गुरुजी, मुझे बचा लीजिए गुरुजी। गुरुजी मैंने आपकी बात नहीं मानते, बहुत बड़ी गलती कर दी गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। तुम भी तो मैंने पहले ही कहा था ना किसने का पिलाना उचित नहीं होगा, परंतु तुमने मेरे बात को नहीं मानी। घबराओ नहीं सिस, नारायण सब समर्थ है। सैनिकों खबरदार, मेरे पास शिष्य को अंतिम देश देने दो, अन्यथा श्राप दे दूंगा। देखो शिष्य, यहाँ के राजा मूर्ख हैं, राजकाज सही से नहीं चलता है। इस समय मैं बोलूंगा कि जो फांसी के फंदे पर चढ़ेगा उसको वैकुंठ में स्थान मिलेगा, उनके लिए सब लोग किसान दरवाजा खुले रहेंगे। इस बात सुनकर के राजा स्वयं तैयार हो जाएंगे। तुम कहना मैं चढ़ूंगा, मैं कहूंगा मैं चढ़ूंगा। देखो शिष्य, तुम मेरे हाथ को मानो, तुम अभी बच्चे हो, मैं फिर होने चला हूँ, स्वर्ग लोक जाने का अधिकार मुझे है। हो गई अब सरा
आए से बेटा फांसी लगा दिया जाए। राजा गले चौपड़।